आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कह रहा है राइट द बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, मतलब बोहर की फ्रीक्वेंसी पे क्या राय थी या फिर उसने क्या ऐसी कंडीशन दी थी। अब अगर हम लोग बोहर के थर्ड पोस्टलेट को पढ़ें, नील्स बोहर था एक साइंटिस्ट, अगर हम लोग उसके बोहर्स थर्ड पोस्टलेट, तो वो कहता है कि एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, ठीक, एब्जॉर्ब और इवॉल्व्ड व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ट्रांजिशन स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है जब भी इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन स्टेट, इसका मतलब जब वो अपना शेल टापता है, या तो वन से टू में जाता है, टू से वन में आता है। अब अगर देखा जाए, एक मैं यहाँ पे दो एनर्जी लेवल मतलब शेल्स बना देता हूँ, इसको ले लेते हैं हम लोग सपोज फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू टू एंड एन इक्वल टू वन, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ई वन ई टू ई वन। अब क्या है कि सपोज करो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन को अपना शेल छोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब जो है यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और जब वो इलेक्ट्रॉन अगर वो चाहता है कि अपनी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए, तो क्या होगा, वो चाहता है कि मैं ऊपर से नीचे आऊँ, तो उसके पास जो एक्सेस एनर्जी है उसका वो रिलीज़ करनी पड़ेगी, इसका मतलब जो है जो एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे इवॉल्व हो रही है एनर्जी, ठीक। ये थ्री भी हो सकता है, ये इन्फाइनाइट भी हो सकता है, जो हमारा ऊपर वाला शेल है ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये एन इक्वल टू अगर टू से थ्री से टू में आ रहा है या फोर से टू में आ रहा है, फोर से थ्री में आ रहा है, उसको भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एनर्जी इवॉल्व हो रही है। तो बोहर ने कहा कि इसके अंदर जो है एच म्यू, या अब बोहर के थर्ड पोस्टलेट है जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है हमारी एच म्यू, इसके अंदर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, सॉरी ई टू माइनस ई वन। इसका मतलब है कि एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट टू लोअर जब वो आता है तो वो एनर्जी इवॉल्व करता है, अगर हम लोग उनको माइनस करते तो हमारे पास एच म्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एनर्जी दैट इज इवॉल्व, यह एनर्जी इवॉल्व, ठीक। कितनी एनर्जी इवॉल्व हुई जब वो सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आया, ये हो गया हमारा एच म्यू, जहाँ पर हमारा ये हमारी बोहर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक। एच म्यू इक्वल टू ई टू माइनस ई वन, ई टू माइनस ई वन। क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।